नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। हमास और इजराइल में जारी जंग को रोकने के लिए अरब देशों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। बुधवार को भी 22 देशों के संगठन अरब लीग ने मिस्र के कायरो में सदस्य देशों के साथ एक आपातकालीन मंत्रिमंडलीय स्तरीय बैठक की। विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में अरब लीग ने इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में कटौती करने के फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए इजराइल से गाजा पट्टी में जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाओं की बहाली की मांग की है। इसके अलावा अरब लीग ने इजराइल के अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और दो देश समाधान पर बातचीत पर वापस लौटने का आग्रह किया है। इससे पहले सऊदी अरब ने मंगलवार को कैबिनेट स्तर की बैठक की थी। इस बैठक में सऊदी किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन, जॉर्डन और मिस्र के राष्ट्रपति समेत अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से बात की थी। बैठक में अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध पर चर्चा की। इस दौरान मंत्रियों ने इसराइल से गाजा की पूर्ण नाकाबंदी हटाने की मांग की है। अरब लीग ने इसराइल से गाजा को बिजली आपूर्ति और पानी में कटौती करने के फैसले पर भी पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया है। इजरायली सेना द्वारा गाजा पट्टी की घेराबंदी की निंदा करते हुए अरब लीग ने कहा है कि मानवीय सहायता को गाजा पट्टी में पहुंचाने की तत्काल अनुमति दी जाए। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि अरब लीग इजराइल से गाजा पट्टी में भोजन, ईंधन और मानवीय सहायता तत्काल भेजने का आह्वान करता है। शनिवार को हमास द्वारा इसराइल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद से ही इसराइल की सेना गाजा पट्टी और खासतौर पर हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही है। इसराइल ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी करते हुए पानी, भोजन और बिजली की आपूर्ति काट दी है। गाजा पट्टी के मीडिया कार्यालय के कर्मचारी सलमा मारोफ ने कहा है कि गाजा की पूर्ण घेराबंदी और लगातार हवाई हमले ने यहां के आवासीय इमारतों, मस्जिदों, कारखानों और दुकानों को प्रभावित किया है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में आपातकालीन स्थिति के इंचार्ज मोहम्मद गोमिन ने कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सहित दवाओं की आपूर्ति कम हो रही है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तत्कालीन अरब लीग के सदस्य देश मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया। इसराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर सऊदी अरब ने मंगलवार को 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। ओआईसी में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भावना बनाते हुए मुसलमानों की सुरक्षा करना है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मंगलवार को ब्रिटेन और कनाडा के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरमान से हमास और इसराइल के बीच जारी संघर्ष को लेकर बात की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री और कनाडा के विदेश मंत्री ने गाजा और उसके आसपास के क्षेत्रों में तनाव को कम करने की जरूरतों पर भी चर्चा की है। इस बातचीत के दौरान सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और इस संघर्ष का उचित समाधान खोजने के महत्व को दोहराया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने नागरिकों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने का आह्वान किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।